चाइना ने बलाखर पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। चाइना ने किसी दूसरे मुल्क को बेचे जाने वाले सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से पाकिस्तान को बहरी बेड़ा डिलीवर कर दिया है। पाकिस्तानी नेवी की ताकत दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि जर्मनी ने पाकिस्तान की सबमरीन के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन देने से इनकार कर दिया। भारत ने जर्मनी के साथ क्या डील की जिसकी वजह से जर्मनी ने पाकिस्तान को IAP देने से इनकार कर दिया। भारत ने कौन से मामलात जर्मन के साथ तय किए जिसकी वजह से पाकिस्तान की सबमरीन को अब जर्मनी के बनाए हुए IAP नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की ISI और भारत के अंदर मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान मामलात तय पा गए हैं और भारत के अंदर कोई बड़ा हमला हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हसनात टीवी की एक एक वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दफाई डील हुई है उसके बारे में। तो नाजरीन, आपको बता दें कि चाइना ने पाकिस्तान को अपना सबसे खतरनाक बहरी बेड़ा पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया है। कल पाकिस्तान के एडमिरल हमायों और चाइना के ऑफिशियल के दरमियान मीटिंग हुई और इस बहरी जहाज की चाइना के हुडुंग शिपयार्ड के अंदर तकरीबन रुनुमाई भी हुई। आपको बता दें कि चाइना इसी तरह के जहाज यानी मार्गरेट 05 टाइप के बहरी बेड़े 3 मजीद डिलीवर करेगा। इन जहाजों के आने के बाद पाकिस्तान की नेवी की ताकत दुगनी हो जाएगी। नाजरीन, इन जहाजों के पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल होते ही भारत के अंदर खलबली मच गई है। भारत की नई दिल्ली के अंदर इन जहाजों को लेकर एक मीटिंग भी हुई और भारत ने अपनी नेवी को अलर्ट भी जारी कर दिया है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत की नेवी को, भारत के बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बड़ी और अहम डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी सबमरीन को छुपाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मांगे थे जो जर्मनी ने पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिए। आपको बता दें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन किसी भी सबमरीन को पानी के अंदर हफ्तों तक छुपाने में मदद फराहम करती है, दुश्मनों की नजरों से ओझल भी करती है और इसी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की मदद से बहुत सारे ममालिक ने बहुत बड़े बड़े मिशन भी सरंजाम दिए हैं। बहरहाल जर्मनी ने पाकिस्तान को अपना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन देने से इनकार कर दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी के अंदर भारत ने अपनी लॉबी इस्तेमाल करके पाकिस्तान की ये दफाई डील जर्मनी के साथ खत्म करवाई है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट और कितना बड़ा भारत के अंदर खलबली मची हुई है। तीसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि भारत ने अपने मुल्क के अंदर रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान की ISI और भारत के अंदर मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं और किसी वक्त भी पाकिस्तान और ये भारत के दहशतगर्द भारत को दहला सकते हैं और बिल्कुल पुलवामा जैसा हमला कर सकते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि मोदी ने पुलवामा का हमला इस वजह से करवाया था ताकि वो इलेक्शन जीत सके और अपने फौजियों को मरवा कर अपनी गेम को पक्का किया है। भारत अब की बार अपनी फौजी कानवाय को दोबारा टारगेट कर सकता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान की ISI पर लगवा कर मोदी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकता है। फिलहाल मोदी के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। उसके खिलाफ मोदी कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। एक चाइना जो कि LAC पर भारत को मार मार रहा है और दूसरा पाकिस्तान LOC पर भारत को धुआं धुआं कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, इन तमाम डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकअल्लाह।